बी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है उन तमाम विद्यार्थियों का जिन्होंने खासकर ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं और जिनका पीटी का रिजल्ट वेटेड है और हमें ही कह सकते हैं कि जल्द आप सभी का रिजल्ट आए और ऑप्शनल की जो तैयारी करते हैं उनको एक बल मिले क्योंकि वो भी आशा लगाए बैठे हैं कि कब रिज़ल्ट आए तो कब लिखें लेकिन सिर्फ सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो ऑप्शन की तैयारी करेंगे तो वैसे विद्यार्थी खत खैर मुश्किल ही रहता है नहीं बल्कि नामुमकिन रहता है रिजल्ट आएगा देर से देर आप अपनी तैयारी करते रहें तो पिछले क्लास में मैंने आप सभी को कहा था कि जो भी क्वेश्चन आंसर राइटिंग होगा आप सभी के लिए यूट्यूब पे डिस्कशन होगा एक दिन सप्ताह में तो फ़िलहाल मैं आप लोग को थर्टी फर्स्ट जनवरी को मिलने वाला हूँ मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम कहाँ अपना भेजेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक यूट आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप ग्रुप में ऑटोमेटिकली एड हो जाइएगा और वहाँ पर अपनी क्वेश्चन को भेज सकते हैं मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन दे रहा हूँ आज उस दो क्वेश्चन को आप लिखेंगे और दोनों क्वेश्चन को लिखने के बाद जो है आप अपना आंसर को भेजेंगे उसके बाद मैं उसे इवेलुएट करूँगा ताकि जो है आप अपने आंसर राइटिंग को सही कर पाएँ तो मैं आप लोगों का दो क्वेश्चन दे रहा हूँ और जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर जाके ग्रुप में जुट जाएंगे आप अपना क्वेश्चन वहाँ पर भेज सकते हैं ताकि मैं इवेलुएट कर पाऊँ चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आज का एक क्वेश्चन है जो पेपर वन है पेपर वन से पेपर वन से क्वेश्चन है कि उदा दोनों में भाषा बताता हूँ दोनों भाषा में आप आंसर लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं उदासीनता वक्र के द्वारा उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करें संतुलन की व्याख्या करें जो व्यक्ति भेजेंगे क्वेश्चन वो अपना नाम उसमें डाल देंगे और साथ ही साथ उसको पी डी एफ बना के भेजेंगे ताकि पी डी एफ आपको ये बोर्ड पर खोल पाऊँ और वही इवेल्युएट कर पाऊँ इसमें अंग्रेजी में लिख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस डिफरेंस कर वट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस डिफरेंस कर वट डू यू मीन बाय इन डिफरेंस कर और आगे इसका दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्लियम कंज्यूमर्स इक्लेम थ्रू इन डिफरेंस कर तो क्वेश्चन है मैं दोनों मीडिया में लिख दिया हूँ इस क्वेश्चन को आप जवाब देंगे पी में भेजेंगे और इस लिंक के द्वारा भेजेंगे मैं जो व्हाट्सअप में मैं जो आपको यूट्यूब के नीचे में लिंक भेज रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को कॉपी इवेल्यूएट कर पाऊँ देखिए इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं और सही से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आने की संभावना है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको थोड़ा सा गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप हमसे जुड़िए हम आपको प्रयास करेंगे चूँकि डिस्कसन के साथ मैं इस टॉपिक पर कुछ बताऊँगा अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कसन ही है जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा क्लियर मैं मेरे मान कह चूँकि आप ऑडिटर की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बी पी एस में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चुने तो आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तभी हमसे जुड़िएगा और पढ़ना है तो फिर अलग बात है लेकिन जिससे वो आंसर राइटिंग में दिक्कतें आ रही है उसके लिए समस्या का समाधान होगा आप हम सभी से जुड़िए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप इन्फॉर्म कीजिए ताकि उनका भी एक सही मार्गदर्शन हो पाए थैंक यू